Hello students, how are you? Now come today today's topic. और आज का टॉपिक आपका गॉस लॉ के थर्ड एप्लीकेशन पे जाएगा। बाकी आपको क्लियर ही है कि हमने गॉस लॉ का डेरिवेशन और दो एप्लीकेशन आपको करा रखे हैं, बता रखे हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन जो आपका जाएगा वो किस पर डिपेंड है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, यानी कोई स्फेरिकल सेल होगी वो कैसी होगी? यूनिफॉर्मली चार्ज होगी, यानी उस पर चार्ज बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ऐसे सेल के लिए जो हालो स्फेयर भी कह सकते हैं आप उसको, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्वेश्चन इस पे इसी टाइटल पे चला जाएगा, बाय अप्लाइंग गॉस लॉ फाइंड आउट द सो एंड सो, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसके लिए क्या कंसिडर करना है? फर्स्ट वी कंसिडर अ हालो स्फेयर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब दिस इज अ हालो स्फीयर, दिस इज अ हालो स्फीयर विद सेंटर हो और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो आपको कॉन्सेप्ट पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लियर है कि हालो बॉडी के आउटर सरफेस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो ये हालो है तो इसके इनसाइड में चार्ज नहीं होगा, इसके बाहर की सरफेस पे ही चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको वहां ये भी मालूम है कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो यहाँ भी जब अभी हम सॉल्व करेंगे तो तीन केस यहाँ स्टडी करेंगे। लास्ट केस जो इनसाइड पॉइंट जो लिया जाएगा, अंदर में कोई पॉइंट लिया जाएगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जीरो ही मिलेगी। फिलहाल ये एक हालो स्फीयर हो गया जिसका सेंटर हो गया, जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये दिखा दिया गया। तो हम जैसा जानते हैं कि अगर कोई चार्ज है कहीं भी तो उसको इमेजिनरी सरफेस एक गॉसियन सरफेस कैप्चर करे तभी गॉस लॉ अप्लाई होगा। तो ये इस चार्ज को कैप्चर करने के लिए ये गॉसियन सरफेस अप्लाई की गई, बनाई गई। क्यों बनाई गई? क्योंकि किसी पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, तो उस पॉइंट पी के अराउंड एक गॉसियन सरफेस चाहिए। तो इस पॉइंट पी का एक एरिया एलिमेंट मान लो क्या है, जैसे कि डीएस। तो इस पे अगर एरिया वेक्टर निकालने तो आपको मालूम है इट इज नॉर्मल टू द सरफेस, यानी इस पे इस डायरेक्शन में हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही, जैसा कि आप गॉस लॉ के प्रूफ में भी देख चुके हो, कुछ उससे मिलता जुलता ही फिगर रहेगा। अब सेंटर ओ से हालो स्फीयर की जो रेडियस है यानी ये कैपिटल आर है। अगर चाहें तो आप यहाँ दिखा भी सकते हैं, वरना स्टेटमेंट में हम लोग यूज कर सकते हैं दिस इज कैपिटल आर। और सेंटर ओ से उस पॉइंट पी तक जहां का हमने गॉसियन एक स्फीयर कंसीडर किया है रेडियस का, तो ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है ओ पी वो स्मॉल आर, ठीक है। तो जहां पे हम क्या पाते हैं स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, सिंबल में कैपिटल ये दिख रहा है लेकिन दूरी में हम सभी जानते हैं स्मॉल आर को नोटेशन में हम बड़ी दूरियों के लिए यूज करते हैं। जैसा कि हम लोग 11th के क्लास में जब हम लोग ग्रेविटेशन को पढ़ते हैं तभी भी ये इस तरीके की बात करते हैं। कैपिटल आर मीन्स आर की वैल्यू ज्यादा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है, नोटेशन कोई आप अपने हिसाब से भी मान सकते हैं। तो देर आर थ्री केसेस। पहला, एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल, यानी कोई पॉइंट पी जो हमने लिया वो इस सेल के कहां पे लेना है, आउटसाइड पे। तो पॉइंट पी लिया तो इससे रिलेटेड एक गॉसियन सरफेस बना दी, ठीक है। तो एट द पॉइंट पी वेयर विच इज आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो वी हैव टू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस अराउंड दैट पॉइंट पी। So this Gaussian surface having the radius small r, that where you better known as small r is greater than capital R. Now Gauss law apply कर दें तो phi is equal to integral E dot ds, closed surface है तो integral पे close लगा दें। अब a dot b जैसा खोल दें, a dot b को क्या लिखते हैं, a b cos theta। तो a b cos theta how much is there, electric field की line भी यही, एरिया वेक्टर की लाइन भी यही। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन के हैं तो थीटा जीरो डिग्री, तो वी पुट कॉस जीरो एंड कॉस जीरो इज वन। तो ई डी एस, यहाँ कॉस जीरो की वैल्यू चाहे तो वन डाल, ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी ही है। इंटीग्रल नॉट इंटीग्रेशन, इंटीग्रल मीन्स समिंग देयर। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट अगर आप इकट्ठा करते चले जाओ, छोटे छोटे एलिमेंट अगर आप इकट्ठा करते चले जाओ, तो फाइनली आप क्या कहोगे, आपको क्या मिल गया, एक हालो स्फीयर मिल गया। तो इंटीग्रल डीएस का मतलब है सरफेस उस हालो स्फीयर की, तो 4 पाई
स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि ये दूरी आपने स्मॉल आर यहाँ से भी कंसिडर की हुई है, तो यू गेट द वैल्यू ऑफ ई देयर। अब ये स्केलर फॉर्म में चाहे तो आप वेक्टर फॉर्म भी बना सकते हैं, एक आप एरो लगा सकते हैं, आर कैप ले लें, एन कैप ले लें, वेक्टर फॉर्म बना लेते हैं, आपको मालूम हो जाएगा कि सेकेंड ये पॉइंट पी इज एट द, अब ये आउटसाइड था, ये क्या केस लेंगे जब पॉइंट पी इसी सरफेस पे ही पड़ जाए, जैसे कि मान लो पॉइंट पी इसी सरफेस पे ही लेंगे, तो यही सरफेस जिसपे चार्ज है और यही पॉइंट पी यानी यही सर्कल जो आप ड्रॉ कर रहे हो, ये जो स्फीयर जो ड्रॉ कर रहे हो, ये यही स्फीयर ही गॉसियन सरफेस का खुद ही काम करने लगेगा, तो इसमें कुछ हमें ज्यादा नहीं चेंज करना है, वही जो स्मॉल आर है इट नाउ बिकम कैपिटल आर, सो देयर इज अ लिटिल चेंज इन द एबो फार्मूला, नॉट यू हैव टू डेराइव थारोली इन द सेकेंड स्टेप, नॉट यू आर गोइंग टू एज्यूम ऑल दीज स्टेप इन द केस सेकेंड, यू पुट ओनली देयर स्मॉल आर इज बिकम कैपिटल आर, सो यू अचीव द आंसर इजिली, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर इज देयर, ओके, एंड दिस इज द फिगर बिलोंग्स टू दैट केस सेकेंड। Now, we also know that here, तो Q is equal to sigma s, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर सकते हैं, सिग्मा एस कह सकते हैं, सिग्मा ए कह सकते हैं, अगर एरिया को ऐसे ले रहे हैं तो Q इज इंटू सरफेस 4 pi कैपिटल आर स्क्वायर, तो अगर वो वैल्यू डाल दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की जगह अगर हम ये वैल्यू डाल दें सिग्मा इंटू 4 pi आर स्क्वायर बाई कैंसिलेशन, यू गेट देयर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में फार्मूले का मिल गया, वैसे तो ये फार्मूला यूज ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मालूम है तो यू कैन आल्सो चेंज द पैटर्न ऑफ द फार्मूला देयर आल्सो, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज देयर, तो दैट वाज द सेकंड केस। नाउ कम टू द थर्ड केस, पॉइंट पी आउटसाइड हुआ, पॉइंट पी आउटसाइड हुआ, तो पॉइंट पी फिर सरफेस पे हुआ, पॉइंट पी कहाँ लेना है, इनसाइड लेना है, तो पॉइंट पी अगर इनसाइड ले रहे हैं जैसे यहाँ पॉइंट पी हमने ले लिया, तो इसके अराउंड हमको क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, तो हमने ड्रॉ की गॉसियन सरफेस, लेकिन हालो स्फीयर तो ये है, हालो स्फीयर अगर ये है तो चार्ज तो यहां से, और हम गॉस थ्योरम में क्या कहते हैं, उसके हम कुछ एक स्पेशल केसेस भी पिछले दिनों में देख चुके हैं कि अगर गॉसियन सरफेस किसी चार्ज को अपने अंदर कैप्चर करती है तब तो वहां पे फ्लक्स इन्वॉल्व होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू देगा, अगर गॉसियन सरफेस कोई चार्ज अपने में इनक्लोज नहीं करती है तो वहां पे फ्लक्स जीरो जाएगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो जाएगी, तो यही थर्ड केस में बात आ जाएगी कि इफ पॉइंट पी इज इनसाइड द हॉलो स्फीयर, लाइक वाइज दिस इज द हॉलो स्फीयर एंड द पॉइंट पी इज हियर, देन यू ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस अराउंड दैट पॉइंट, एंड यू बेटर नो दैट दिस पॉइंट अराउंड विच यू हैव ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, दिस पॉइंट डज नॉट कैप्चर एनी चार्ज हियर, एज यू नो देर इज नो चार्ज, ये चार्ज वॉज देयर, सो गॉसियन सरफेस डज नॉट कंटेन एनी चार्ज, एंड यू बेटर नो दैट इफ गॉसियन सरफेस डज नॉट कंटेन एनी चार्ज देन फ्लक्स इज जीरो देयर और इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देयर, क्योंकि अगर ई की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्यू लिखना है, और क्यू की वैल्यू जब जीरो है तो इज इक्वल टू किसी केस से देख लें आप, अगर ये क्यू जीरो है तो ई बिकम जीरो देयर, तो इसका मतलब सीधा है कि वहां पे कोई फ्लक्स भी नहीं बनना है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी, तो अब यहाँ जब तीन केसों को हमने स्टडी किया तो हमने पाया इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक जैसा यहाँ पे तालमेल नहीं दिख रहा है, ये बाहर पे सरफेस पे और इनसाइड तो वेरिएशन दिखा रही है, तो अगर इस पे ग्राफ का अगर एक कॉन्सेप्ट लें कि वेरिएशन ऑफ ई विद डिस्टेंस यानी जो दूरी आर है उसके साथ में वेरिएशन क्या है, तो देखें अगर हमने वही हॉलो स्फीयर ले लिया तो हम पाते हैं कि देखें जैसे जैसे सरफेस पे आए थे वैसे वैसे हमने क्या लिखा था, देखें कैपिटल आर लिखा था, ओके, इसका मतलब सरफेस पे आते आते सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, सरफेस पे आते आते सबसे ज्यादा मिल रही है क्योंकि उसके सरफेस के अंदर जैसे कोई पॉइंट कंसीडर हो तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, क्यों, क्योंकि थर्ड केस में आप प्रूफ कर चुके हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसके हॉलो स्फीयर के इनसाइड में नहीं होती, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होती है, सिर्फ सरफेस तक, यानी सरफेस से रिलेटेड पॉइंट ले तो ये मिला है, इसका मतलब सरफेस से जैसे जैसे बाहर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है, कैसे जानेंगे कम होती है, पहले केस पे आ जाए, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, इसका मतलब देयर इज अ डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द डिस्टेंस, जैसे जैसे हम
हेमिस्फीयर से आगे होते जाएंगे वैसे वैसे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। दैट मीन देयर इज अ डिक्रीज इन द ग्राफ इज देयर। क्या उल्टे में आप देखें तो आप कहेंगे कि डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है, तो कहां तक इंक्रीज होता जाएगा? क्या सेंटर तक इंक्रीज होगा? नहीं। आपको रिजल्ट मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी, और उसके बाद जो थर्ड केस है वो अंदर की बात कर रहा है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ ऐसे पॉइंट तक पहुंचेगी जो सरफेस को बिलोंग करे, यानी यहाँ। अंदर आप यहाँ नहीं ले जा सकते। अगर यहाँ ले जाएंगे तो देखें पॉइंट अंदर पड़ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे गायब हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सरफेस एंड इनसाइड दैट, यानी देखो ई को मैक्सिमम तभी दिखाया जा रहा है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम है तो वर्टिकल लाइन पे मैक्स यहाँ के लिए हमने लिख दिया। और इनसाइड यानी कोई पॉइंट लो यहाँ 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 यहाँ, तो ई क्या है? जीरो। ओके, तो ये वेरिएशन आप इसका दिखा सकते हैं, यानी इस रूप में कि सरफेस पे सबसे ज्यादा और अवे टू द सरफेस इट गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, और ये कम होती जाती है, और इनसाइड द हॉलो स्फीयर इट इज जीरो। ओके, तो ये थर्ड एप्लीकेशन आपकी अब कंप्लीट होती है। इस तरीके से ये तीनों ही एप्लीकेशनों में से कोई ना कोई एक प्रॉम्प्ट है। अलावा इसके भी एप्लीकेशन आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और गॉस थ्योरम को आप अप्लाई करके देख सकते हैं, बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन एप्लीकेशन जो है आपके सीबीएसई कोर्स पे बिलोंग करती है। ओके स्टूडेंट्स।